तब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग। हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, विक्रम वेदा और PS1 के रिलीज के बाद अब फैंस और ट्रेड को दिवाली वीकेंड आ रही राम सेतु और थैंक गॉड का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अक्षय की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है, मगर उससे पहले 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में फिल्मों की लंबी कतार लगने वाली है, क्योंकि 10 फिल्में स्क्रीन पर एक साथ उतर रही हैं और इनमें कोई भी मेगा बजट फिल्म नहीं है। हालांकि कुछ के स्टार कास्ट में जरूर चर्चित चेहरे शामिल होंगे। वेल, अब देखा जाए तो इस भीड़ में जिन फिल्मों से ठीक ठाक कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है, उनमें आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह की डॉक्टर जी, परिणीति चोपड़ा और हार्डी संधू की कोड नेम तिरंगा और कन्नड़ फिल्म कंतारा है जो हिंदी में रिलीज होने वाली है। पहले अगर डॉक्टर जी की बात करें तो डॉक्टर जी का डायरेक्शन किया है अनुभूति कश्यप ने। आयुष्मान खुराना एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं, जब वो हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। हालांकि इस बार उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है, ए मतलब कि एडल्ट। फिल्म में आयुष्मान डॉक्टर के रोल में है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहता है मगर गायनोकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है। वहीं फिल्म के एंड में हमें एक जोरदार सोशल मैसेज मिलेगा जो सभी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो कोड नेम तिरंगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रिभु दास गुप्ता ने। यह स्पाई एक्शन फिल्म है। परिणीति पहली बार एक्शन कर रही है, वो भी इस फिल्म से। इस फिल्म में आप लोगों को पंजाबी एक्टर हार्डी संधू लीड रोल में नजर आएंगे, वहीं परिणीति चोपड़ा भी के अपोजिट नजर आने वाली है। ये फिल्म एक एक्शन जॉनर वाली होने वाली है जो शायद बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल कर सकती है। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो कंतारा। ये फिल्म तमिल में रिलीज हुई है और बवाल काट रही है, मतलब कि फिल्म ने भयंकर कमाई की है। साउथ इंडियन फिल्मों की हाइप के बीच कंतारा सरप्राइज लेकर आ रही है। इस फिल्म का डायरेक्शन ऋषभ शेट्टी ने किया है और लीड रोल भी निभाया है। वहीं इस फिल्म की कहानी में लोक कथाओं को पिरोया गया है, या सेकंड टाइप ऑफ कह दे कि आप लोगों को एक बार फिर से पुष्पा जैसी कहानी देखने को मिलेगी। नंबर 4 पे है एज जिंदगी। इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सत्यजीत दुबे, वहीं सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगी रेवती। ये एक इमोशनल फिल्म है जिसकी कहानी एक ऐसे नौजवान के इर्द गिर्द घूमती है जिसे लीवर सिरोसिस है और मौत से जूझ रहा है। वहीं रेवती फिल्म में मेडिकल काउंसलर है और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि वो बच पाता है नहीं बच पाता, जब आप ये फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। दोस्तों, इन फिल्मों के अलावा एक और फिल्म है, आपने नाम सुना होगा मोदी जी की बेटी। यह इस टाइटल से एक फिल्म आ रही है और बहुत ही भयंकर है ट्रेलर। ट्रेलर देखकर आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे, ऐसा है फिल्म का ट्रेलर। तो ये फिल्म भी सिनेमाघरों में इसी मंथ रिलीज होने वाली है और बहुत ही भयंकर फिल्म है। आप लोग जब भी देखेंगे बहुत मजा आएगा। इसके अलावा देखा जाए तो लव यू लोकतंत्र, करतूत, कहानी रबड़ बैंड की, मिड डे मील और जुगू की लालटेन भी शामिल है। वही 95 एकेडमी अवार्ड के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री चुनी गई गुजराती फिल्म छैलो शो भी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हालांकि छैलो शो से बहुत ही एक बैड न्यूज है कि जिन्होंने लीड एक्टर के तौर पर इसमें काम किया, जिस चाइल्ड एक्टर ने, मतलब कि इसमें 6 चाइल्ड एक्टर हैं, उनमें से एक की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उन्हें कैंसर था और फिल्म के रिलीज से ठीक कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी जान खो दी। वेल, ये लगभग 10 फिल्में हैं जो इस अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस अक्टूबर में इनमें से आपको बहुत सी फिल्में ऐसी है जो बहुत एंटरटेन करने वाली है। मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई और फिल्म देखूं ना देखूं, मोदी जी की बेटी जरूर देखूंगा, क्योंकि इसमें गजब की कॉमेडी है। वही इसके अलावा अगर मुझे सोशल मैसेज की बात करनी हो तो मैं देखूंगा कहानी रबड़ बैंड की, और सबसे अगर टॉप पे मुझे रखना है तो मैं रखूंगा कंतारा को। अमेजिंग फिल्म है, अमेजिंग ट्रेलर है, टू वॉच वाली फिल्म है, एक बार तो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए जाकर सिनेमाघरों में। वेल, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी या फिर कोड नेम तिरंगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो।